मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लास. स्टूडेंट, नाउ डेज वी आर लर्निंग न्यू टॉपिक लॉस एंड प्रॉफिट. अबाउट दिस टॉपिक मेनी क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन, अली परचेज अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज 2500. ही शोड इट एट द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 200. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन. सो अली ने 2500 रुपीस की वो मोबाइल फोन खरीदा, जिससे कि 200 रुपीस की प्रॉफिट से उसने सेल कर दिया. आप फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, उसकी सेलिंग प्राइस, मोबाइल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. सो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन 2500 एंड प्रॉफिट 200. सो सेलिंग प्राइस ऑफ फोन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस क्या है, 2500 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 200 रुपीज 200. सो 2500 प्लस 200 इज इक्वल टू 2700 रुपीज. सो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल 2700 रुपीस. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस, रोहित शॉर्ट वॉच फॉर रुपीस 8500 एट अ लॉस ऑफ रुपीस 15. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच. रोहित ने 8500 की वॉच को 15,000 के लॉस से क्या कर दिया, बेच दिया. आपको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, फाइंड करनी है. सो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 8,000, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 8,500 एंड लॉस 1,500. लॉस 1,500. कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. सेलिंग प्राइस क्या है, 8,500. सेलिंग प्राइस 8,500 एंड लॉस 1,500. सो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू जीरो, and 0 plus 0, 0, and 5 plus 5, 10, and 1 carry, and 8 plus 1, 9, and 1, 10. So, cost price of was 10,000. Thank you, Vita.